भारत देश के पंजाब राज्य के एक जिले गुरदासपुर में खड़े लोग उस वक्त दंग रह गए जब एक 10वीं पास बच्चा मोदी की तारीफ करने लगा, और तो और साथ ही उसने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बारे में भी बातें की। किस तरह से उन्होंने साल 2017 में पंजाब के गुरदासपुर में विधानसभा के चुनाव के वक्त कई सारे लोगों से वादे किए थे, फिर चाहे वो नौकरी दिलाने का हो या फिर हर घर में एक स्मार्टफोन दिलाने का, इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस पार्टी से हैं और इस बच्चे ने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कैप्टन अमरिंदर ने अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में ये बात तो जाहिर हो गई है कि पंजाब का ना सिर्फ बड़ा बल्कि बच्चा भी इस बार के चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। ऐसे में ये सारी बातें सामने आने के बाद तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी के वादों को कहीं गुरदासपुर के लोग गंभीर नहीं ले रहे हैं। पार्टी का एक भी वादा पूरा न कर पाने से वहीं के स्थानीय लोगों के अंदर उसको लेकर गुस्सा साफ देखा जा सकता है। इस बच्चे की बातों को सुनकर तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस बच्चे ने कहा है कि मोदी जी अपने हर एक वादे पर कायम रहे हैं, फिर चाहे वो देश की बेटियों की स्कॉलरशिप की बात हो या फिर पायलट अभिनंदन को देश में वापस लेके आने की बात हो। इस बच्चे ने मोदी विरोधियों पर करारा तंज कसते हुए कहा है कि देश में हुई अचानक नोटबंदी को लेकर विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनके पास काला धन था, और वही लोग आज मोदी विरोधी बने हुए हैं। और तो और इस बच्चे को पूरा विश्वास है कि आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी ही भारत के देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन ये तो आने वाली 23 मई की तारीख तय करेगी कि अब की बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 9 न्यूज से पूजा की।